नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि वह सभी चिंताओं से दूर रहे, उसका दिन शुभ हो, खुशियों से भरा हो। इसलिए वह सुबह उठकर अच्छा देखने और अच्छा काम करने की तमन्ना रखता है ताकि उसका जीवन कष्टों से दूर बीते। वहीं मित्रों, अगर हम अनजाने में सुबह के समय कुछ गलत कर देते हैं या ऐसी बुरी चीज को देख लेते हैं तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छे से हो तो हमारा दिन भी अच्छा गुजरता है। इसलिए ज्यादातर लोग मानते हैं कि सुबह किसी ऐसे का चेहरा ना देखें जो हमारे लिए अशुभ हो, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आँख खुलते ही कोई अच्छी चीज दिखे ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। वहीं कुछ लोग कई तरह के धर्म कर्म भी करते हैं। साथियों, दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए या सुबह कौन सा काम करने से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, इसको लेकर चाणक्य नीति और वास्तु शास्त्र में भी काफी कुछ कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको आचार्य चाणक्य और वास्तु शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि सुबह सुबह ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा दिन अच्छा गुजरे। लेकिन ये बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुँच सके। पहला, साथियों सुबह उठते ही देखें अपने हाथों की हथेलियाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ हो, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि हमारे हाथों की लकीरों में हमारी किस्मत होती है। इसलिए वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि हाथों में सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, धन की देवी लक्ष्मी और सुख या समृद्धि की देवी सरस्वती तीनों का वास होता है। तभी तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हथेली देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह सुबह माता पिता का आशीर्वाद भी है जरूरी। साथियों, जब भी आप सोकर उठें या रोज जब भी घर से बाहर निकलें, तो सबसे पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। साथियों, आचार्य चाणक्य के अनुसार भी माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला कोई भी संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। तीसरा, सूर्य देव को जल भी करें अर्पित। साथियों, सुबह उठकर नहाकर सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मन को एक नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही कुंडली की शुभ स्थिति रहती है। इसके साथ साथ इसका असर हमारी बुद्धि पर भी पड़ता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, सारे दोषों का निवारण हो जाता है। इसलिए सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और वहीं सुबह शांत मन से 10 से 15 मिनट या जितना भी आप उचित समझें उतनी देर अपने ईश्वर की आराधना जरूर करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आप और आपके परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। चौथा, गाय को रोटी जरूर खिलाएं। साथियों, हमेशा जब भी आप सुबह घर से बाहर टहलने के लिए निकलें तो गाय को रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि भोजन के लिए बनाई गई रोटी में से पहली रोटी गाय को दे, क्योंकि धर्म ग्रंथों में गाय में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। अगर प्रतिदिन उन्हें रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पांचवा, सुबह करें झाड़ू पोछा। साथियों, आचार्य चाणक्य के अनुसार घर की सफाई बहुत जरूरी होती है, इसलिए सबसे पहले घर की सफाई करनी चाहिए। साथियों, घर को हमेशा स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, इसलिए रोज सुबह झाड़ू पोछा जरूर करें। दोस्तों, ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ लोग अपना सारा काम खत्म करने के बाद में घर की सफाई करते हैं। ये जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो अपने घर की सफाई दफ्तर से लौट कर करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सूर्य अस्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सुबह घर की सफाई नहीं करता है तो उस घर में देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य के अनुसार भी यही कहा गया है कि घर की सफाई बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज हमने आपको आचार्य चाणक्य नीति और वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया कि सुबह हमें सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको भी ये ज्ञान भरी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और प्रेरणादायक और रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।